शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं एक महीने के लिए दुनिया भर की जेब काटूंगा, लेकिन आपकी जेब नहीं काटूंगा। चुप! तुमने हमको खाने पीने वाला इंस्पेक्टर समझ रखा है? नहीं, नहीं। अरे मैं बहुत कड़क हूँ। अच्छा साहब, एक काम कीजिए, वो जो हीरे का हार है ना, आप घर ले जाइए और अपनी बीवी को पहना दीजिए। साहब राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। ये मेरी कमजोरी नहीं है। क्या हुआ? सुई चुप गई बाबा। सुई कहाँ? यहाँ। कौन है तू? मैं चंपक अली। तू आया था कल मस्तान गली खाने 16 साल की मूंगफली। अच्छा, तो तू वहाँ की कली है? कली हूँ मगर अब तक खिली नहीं है। ए बंदर, चलना अंदर, खोल। चल चल चल। ओए माँ, यहाँ तो कोई मत कलंदर, मैं कैसे रहूंगी अंदर? अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। नहीं साहब, मैं यहाँ से नहीं जाता। ये रानी जाना, मैं तेरा, मैं चंपक अली। तू पकड़। अरे साहब, निकल यहाँ से। अरे मुझे जा रे साहब, जा जा जा। हाँ जा रे जा, बच्चा है। चल उतारना। कपड़े उतारता हूँ, उतारता हूँ। मैंने कपड़े उतार दिए। अब तुम भी अपने कपड़े उतारो ना। मुझे शर्म आती है। क्यों? पहले तुम आंखें बंद करो। ओ, लो, मैं आंखें बंद कर ली। जब तुम्हें हाँ ना कहूँ, खोलना नहीं। हाँ नहीं खोलूंगा। हाँ नहीं खोलूंगा। खोलू? खोलू? क्या हुआ, हार मिला? नहीं, हार तो नहीं मिला, लेकिन ये अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई? कुछ तो ऐसे हो जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मारने गए थे हार और हाथ लगी छोटी सी अंगूठी। अब इस साले ये अंगूठी नहीं बल्कि वो हार तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है। देखकर मेरी चाहत की ज्वालामुखी, ए विलन, क्यों हो गया तू इतना दुखी? पान भी पंखे से इतनी पतली रसी, अरे मरने में भी इतनी कंजूसी। तूने क्या समझा है मर जाऊंगा? अरे मैं वो विलन हूँ जो मरने के बाद भी आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। अरे ऐसी हुई बात तो मैं अपने हीरो को दूंगी आवाज। हीरो, हीरो। मैं आ गया हूँ मेरी जान। कौन हो तुम? हाँ, आपका हीरो। शराब, लाइट ऑन, लाइट। तुम? जी। तुम तो वही हो ना, वो घटिया आदमी जो हमें रेस्टोरेंट में मिले थे। देखिए देखिए, कभी कभी घटिया लोग में भी बढ़िया लोग मिलते हैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट? आपके लिए जान की बाजी लगा दी? गेट आउट? मैं हीरो बनकर आया हूँ, गेट आउट। मेरा दोस्त बेचारा उन कमीनों के हाथ मार खाया, उसको भी गेट आउट। आपको क्या पता आपकी अंगूठी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? मेरी अंगूठी? जी हाँ, कल आपके यहाँ दो सपेरे आए थे। हाँ। एक सांप भी लाए थे। हाँ हाँ। आपको पता है क्या मार कर गए? क्या? आपकी ये अंगूठी। आप संभाल कर रखिए, आपको पता नहीं मेरे दोस्त की क्या हालत हुई है ये आपकी इस अंगूठी की वजह से। देखेंगी उसे दोस्त, दोस्त। अरे अरे संभाल कर दोस्त। डॉक्टर कहता है कि हड्डियां नहीं जुड़ सकती है, मैं कैसे चल रहा हूँ भगवान नहीं जानता है। बिल्कुल इस देश की तरह भगवान के भरोसे चल रहा हूँ। आओ थोड़ा मुझे वहां तक। नन्हे नन्हे संभाल। ये हाथ की कुछ 6 हड्डियां, ये हाथ की कुछ 4 हड्डियां, इसके साथ साथ गर्दन की भी कुछ हड्डियां तकलीफ में आ गई। देखा मैडम, अब इसके बदन का कोई पार्ट काम का नहीं है। सुन बढ़िया है। और ये सब आपकी इस अंगूठी की वजह से। I'm sorry, I'm really sorry. What sorry? पूरा काम भारी हो गया है, हड्डियां जुड़ नहीं सकती, डॉक्टर ने बोला। बिल्कुल नहीं। ये देखो आवाज आ रही ना, आंखों का कनेक्शन टूट गया है, ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस हो गया है, घड़ी की पेंडुलम की तरह ये चलती रहेगी ऐसे ही, यूं ही। अब मैं भी पेंडुलम हो गया हूँ। नन्हे, अरे संभालो, अरे संभालिए, संभालिए, संभालो, उठने की कोशिश कीजिए ना, उठाइए, उठाइए, आपने उठाया
वरना उठता ही नहीं था बंदा। हड्डियों में जान आ गई। तू जिंदगी से हार गया? हार गया? गया। चल चल। अरे ये ले जाइए प्लीज। इतने बड़े हार के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। जो बीत गया बीत गया। मैं भी जीत गया, ये भी जीत गया। अच्छा मिर्जा, हम लोग चलते हैं। सुनिए, इस अंगूठी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारा कितना अच्छा आदमी है, बेकार में हमने इसे घटिया समझा। मुझे मेरी अंगूठी लौटाए। वो तो है। अरे अंगूठी छोड़, तेरा हार कहाँ गया? कमांडो विजय ने उस तूफानी समुद्र को एक ठहरा तालाब बना दिया है। पानी की मौजों ने भी कभी चट्टाने तोड़ी है जो दो घोड़ी का मिलिट्री ऑफिसर हमें तोड़ देगा। रिलैक्स रिलैक्स मास्टर रिलैक्स। मौजों से चट्टाने टूटती है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कमांडो विजय जरूर टूटेगा। ये कौन है? कमांडो विजय की कमजोरी है। बड़े खूबसूरत कमजोरी है ये। ये फूल के साथ भंवरा, और भंवरा बेईमान होता है। इसका भी कोई ईमान नहीं। इसका मतलब सौदा आसान है। मास्टर, मेरा निशाना कभी खाली नहीं होता। गुड, जाओ अगले बार की तैयारी करो। तुम यहां? अब तुमसे मिलना था, चली आई। इस तरह खिड़की से? प्यार अंधा तूफान होता है जी, कहीं से भी आ सकता है। हाँ कुछ बदले बदले से नजर आते हैं सरकार मेरे, जैसे सीने पर कोई वार, दिल पर है तलवार मेरे। अरे वाह वाह, क्या बात है। अरे क्या बात है भाई, किसी ने तुम्हें इस तरह आते हुए देख लिया तो? देख लिया तो मैं बच के आती हूँ, बच के जाती हूँ। तो आती क्यों हो? रास की बात है। जाती क्यों हो? रास की बात है। अरे बताओ तो सही, क्यों आना हुआ? सुना है तुम माजी को लेकर शहर जा रहे हो इलाज के लिए? हाँ वाह, डिपार्टमेंट से खबर मिली है कि अमेरिका से एक डॉक्टर आए हैं जिन्होंने बरसों पुराने दिमागी मरीज को ठीक किया है। अच्छा। शायद माँ ठीक हो जाए। अरे तुम लोग पॉकेट मारते मारते लड़कियों के हार भी चुराने लगे। लेकिन तब मैंने कोई चोरी पकड़ा गया कसाई के हाथ में। अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। चल चल। ऐसा साहब, शक्ल से तो ये आदमी चोर नहीं लगता। हाँ पाप ये करते हैं और प्रायश्चित करने में किसी की पूरी जिंदगी चली जाती है। अरे साहब सुनिए तो। मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैं एक महीने के लिए दुनिया भर की जेब काटूंगा, लेकिन आपकी जेब नहीं काटूंगा। चुप। तुमने हमको खाने पीने वाला इंस्पेक्टर समझ रखा है? अरे मैं बहुत कड़क हूँ। अच्छा साहब एक काम कीजिए, वो जो हीरे का हार है ना, आप घर ले जाइए और अपनी बीवी को पहना दीजिए। साहब राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। ये मेरी कमजोरी नहीं है। क्या हुआ? सुई चुभ गई बाबा। सुई कहाँ? यहाँ। यहाँ कौन है तू? मैं चंपक अली। तू आया था कल मस्तान गली खाने 16 साल की मूंगफली। अच्छा तो तू वहाँ की कली है? कली हूँ मगर अब तक खिली नहीं हूँ।
ए बंदर चलना अंदर खोल चल 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 उई माँ यहाँ तो कोई मत कल अंदर मैं कैसे रहूंगी अंदर अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है निकल यहाँ से नहीं साहब मैं यहाँ से नहीं जाता ये रानी जाना मैं तेरा मैं चंपा कली तू पकड़ अरे साहब निकल यहाँ से अरे मुझे अरे साहब जा 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 हाँ जा जा बच्चा है चलो उतारना कपड़े ओ उतारता हूँ उतारता हूँ मैंने कपड़े उतार दिए अब तुम भी अपने कपड़े उतारो ना मुझे शर्म आती है क्यों पहले तुम आंखें बंद करो ओ, लो मैं आंखें बंद कर ली जब तुम्हें हाँ ना कहूँ खोलना नहीं हो नहीं खोलूंगा हाँ नहीं खोलूंगा खोलू खोलू नहीं मैं आंखें खोलू अब खोलो यही आपका बेटा विजय है जो बचपन में मुंबई चला गया था विजय मरा नहीं है वो जिंदा है ये आपका बेटा विजय है विजय मां तू मेरा बेटा विजय है ना हाँ मां मैं ही तुम्हारा बेटा हूं विजय लेकिन मेरा बेटा तो नहीं माँ किसी ने तुमसे झूठ कहा था कि वो मर चुका है हा? जी हाँ यही आपका बेटा विजय है माँ माँ मैं कौन है माँ ये तुम्हारी बेटी शालू है हमारी शालू है माँ मेरी बेटी मिस्टर विजय एक बात का ख्याल रहे कि आपकी मां को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उनका बेटा विजय मर चुका है नहीं तो उस सदमे से उनकी मौत हो सकती है डॉक्टर साहब वादा करता हूं मेरी जिंदगी में चाहे बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए मैं जिंदगी का हर जहर पी लूंगा लेकिन कभी इस मां को यह एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं उसका बेटा नहीं तुमने तो बोला था कि नोटों का कुआं होगा कहीं मौत के कुएं में तो नहीं धकेल रहे हो अरे अरे बात तो माल की हुई थी माल कहां है सब मिलेगा अरे बाप रे या तो माल ही माल अरे साहब साहब ये इतने सारे नोट साहब मैं मर जाऊंगा साहब अरे साहब बस कीजिए अरे साहब इतने सारे नोट देखकर मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा साहब अरे साहब आप हुक्म कीजिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं इस लौंडे को जानते हो अरे साहब अगर नहीं भी जानता हूं तो इतने सारे नोटों के ढेर में जान जाऊंगा अरे ये लड़की अरे साहब ये तो वही मुर्गी है जिसने मुझे एक बार हीरे के अंडे दिए थे हीरे के मैं कभी गलत पत्ते पर बाजी नहीं लगाता और मैं आपका हुकुम का इक्का सर हुकुम का इक्का आप बस सिर्फ हुकुम कीजिए इस लड़की को उठाना है अरे साहब इतने सारे नोटों के लिए मैं शहर की सारी लौंडियों को उठा सकता हूँ ये उठा लूं पैसे उठाने से पहले एक बार सोच लो अगर इस लड़की को उठाने में तुम कामयाब नहीं रहे तो तुम्हारी अर्थी भी उठ सकती है और अगर कामयाब हो गए तो बख्शीश भी मिल सकता है अरे साहब तो मेरी बख्शीश तैयार रखिए आज तक कोई बाजी नहीं हारी लड़की को इस पते पर ले जाना है साहब समझ लीजिए कि चिड़िया चाल में फंस गई है वाओ क्या जगह है ओह ब्यूटीफुल व्यू कितना रोमांटिक नजारा है
हाय शालू। तुम क्यों चीख? अरे ये क्या कह रही हैं आप? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। अच्छा, आपके हॉस्टल में आए थे, आपकी अंगूठी लौटाई थी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया था। वैसा नहीं, किस तरह हार का है? हार? कौन सा हार? कैसा हार? देखिए, आपको गलतफहमी हो गई है, आप इल्जाम लगा रही हैं। इन्होंने तो आपकी अंगूठी लौटाई थी, ये आपको हार मार सकते हैं? इनको देखिए, आप कपड़े देखिए, ये जैकेट, ये जूते, ये पैंट, ये बेल्ट, ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं कर सकते। बकवास बंद करो, तुम सब मिले हुए हो। एक मिनट ठहरिए, अब बहुत हो चुका है मैडम, आप बिन वजह हम दोनों पर इल्जाम लगा रही है। कितने का था आपका हार? पूरे 2 लाख का। नहीं नहीं, तू बैग खोल। लेकिन 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 कुछ नहीं, जो मैं कहता हूँ तू वही कर। देखिए मैडम, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, आप इसमें से अपनी हार की कीमत ले लीजिए और आइंदा हम जैसे इज्जतदार शरीफ लोगों पर ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए। मैं बोलता था ना कि प्यार व्यार का चक्कर कितना बुरा होता है, अब मिल गया प्यार का सिला। आपने मेरा हार नहीं? नहीं मारी। और आपकी जानकारी के लिए बताओ मैडम, ऐसे से हार नहीं, दान दिए दान। ऐश्वर्य से पूछिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने दो, मैं ब्रीफकेस बंद कर सकता हूँ लेकिन मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ मैं। अच्छा बोल दे। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो उनके सर पे ताज पहनाते हैं ना डायमंड का, इनकी भेजी हुई गिफ्ट है। जी जी, अबे बहुत हो चुका है ये। जी जी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद मैं यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। बिल्कुल नहीं नन्हे, तू इनको इनकी हार की कीमत दे दे जी, और मैं चलता हूँ। सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले, हम तो ठहरे एक चोर ना। देखिए, अगर बार बार आप यही बात दोहराएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। आप तो पहले से ही हमसे नाराज हैं। आप यही चाहते हैं ना, तो ठीक है। अरे शालू, अरे हो जाना चालू। वाओ राजा, ये पगला तो कितना अच्छा है। बस अपना ही समझो। याली? हाँ। राजा, इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता। देखो ना, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुम कितने अच्छे निकले। अच्छी कहा है किसी ने, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। शालू, माय डार्लिंग। राजा, तुम्हारी बाहों में आके ऐसा लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। जिंदगी तो मुझे मिल गई है शालू, माय डार्लिंग, और वो भी ऐसी जिंदगी जो मुझे 10 जन्म में भी नहीं मिल सकती। अच्छा डार्लिंग, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? अरे सुनो, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सरप्राइज लाने, पक्का मैं 2 मिनट में आता हूँ। कहाँ है बाकी के पैसे? चिड़िया पिंजरे में बंद है, और ये रही उसकी चाबी, और ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। ओके, हेलो मास्टर, उस लड़के ने कमांडो विजय की बहन को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है। वेरी गुड, एक काम करो, जल्द से जल्द वो कमांडो विजय की बहन को लेकर यहां पहुंच जाओ। ओके, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब कमांडो विजय के सारे पर कट जाएंगे और वो बोली भी हमारी बोलेगा, चाल भी हमारी चलेगा। अरे इतना ही नहीं, सरहद पार से हथियार, बम, बारूद मिलिट्री की गाड़ियों में हमारे लिए कमांडो विजय लेकर आएगा। और ये मास्टर रोज थोड़ा थोड़ा इस हिंदुस्तान को बर्बाद करके करोड़ों रुपए कमाएगा, और एक दिन पूरे हिंदुस्तान को खा जाएगा।